नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो चुका है। हम आपको झांसी की लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। झांसी में मतगणना का काम शुरू हो गया है। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के रवि प्रकाश कुशवाहा समेत तमाम निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। हम आपको बताते हैं कि पहले राउंड में कौन से प्रत्याशी की क्या स्थिति है। पहले राउंड की मतगणना में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। अनुराग शर्मा को पहले राउंड में 4,468 और प्रदीप जैन आदित्य को 3,305 वोट मिले हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के रवि प्रकाश को 263। ऐसे में अब अन्य प्रत्याशियों को भी जो वोट मिले हैं वह काफ़ी कम हैं। हम आपको झांसी लोकसभा सीट और जालौन लोकसभा सीट समेत तमाम देश की सीटों का हाल बताएंगे। जालौन में फिलहाल इस समय जो स्थिति है उसमें समाजवादी पार्टी के भगवान दास अहिरवार भानु प्रताप वर्मा से आगे चल रहे हैं। तो झांसी की यह लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई है, जहां पहले राउंड की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा प्रदीप जैन से आगे है और अभी दूसरे राउंड की मतगणना चल रही है। जैसे जैसे परिणाम सामने आएंगे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। आप तब तक देखते रहिए मार्केट संवाद। पूरे देश में इस समय फिलहाल NDA बहुमत की ओर बढ़ रहा है रुझानों में, जबकि इंडिया गठबंधन लगातार पीछा कर रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार मार्केट संवाद के साथ जुड़े रहिए। पोर्टल YouTube पर भी खबरें देखिएगा।